Hello students, welcome to the next video on numerical methods. This video de vich apan Gauss Seidel method discuss karange. Gauss Seidel method is used to solve system of linear equations. Linear matlab jinne bhi variables honge x, y, z, unna sab di degree 1 hoegi. Agar 3 equations hain ta 3 variables honge, 2 equations hain ta 2 variables honge, 4 equations hain ta 4 variables honge. Gauss Seidel method again is an iterative method. This is the equal step bar bar repeat until the solution desired accuracy. Gauss Seidel method apply to the check that the system of equations given is a diagonal dominant. Diagonal dominant means like if you have a question, you have 3 variables on x, y, z. The first equation is coefficient of x greatest. 21 minus 2 is 20 greatest. Second, y is the coefficient greatest. Third, z is the coefficient greatest. Equal is not necessary. By chance, equal. If this is diagonal dominant, then we interchange the equations. In the first equation, the coefficient of x, the y, the z is the greatest. Now, the question starts. First, we will calculate the first equation x value. तो मैं एक कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं उसी तरह y के z कर कैलकुलेट करेंगे तो इस जो x कैलकुलेट करने लिए वी टेक y एंड z टुवर्ड्स राइट साइड 17 ए - y + 2z एंड x की वैल्यू इस जो आ जाएगी 20 डिवाइड हो जाएगा 17 - y + 2z ए फर्स्ट इक्वेशन जो अपन ने x कैलकुलेट कर लेना है इस तरह दूसरी जो y कैलकुलेट करना है तो ए - 18 है इधर माइनस 3x हो जाएगा राइट से जाके तो प्लस z एंड डिवाइड हो जाएगा 20 के नाल सिमिलरली तीसरी क्वेश्चन जो अपन z कैलकुलेट कर लेना है 25 माइनस 2x प्लस 31 अपॉन ए भी 20 हो जाएगा तो फर्स्ट इक्वेशन जो अपन ने x सेकंड जो y थर्ड जो z कैलकुलेट कर लेना है इस तो बाद अपन ने इस दी इनिशियल एप्रोक्सीमेशन लेनी है इनिशियल एप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाय अगर अपन क्वेश्चन गिवन है तो ठीक है नहीं तो अपन ने हमेशा x 0 इक्वल टू 0 लेना है y 0 ए भी 0 ते z 0 ए भी 0 दिस इज कॉल्ड इनिशियल एप्रोक्सीमेशन तो ए सिंबल अपन 0 ले रहे हैं 0 का मतलब है इनिशियल वैल्यू है उस तो बाद अपन आइटरेशंस परफॉर्म करनी स्टार्ट करेंगे आइटरेशन 1 अगर आइटरेशन 1 तो प्रॉपर्ली समझ आ गई तो नेक्स्ट आइटरेशन बहुत इजी होंगी तो फर्स्ट आइटरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਰੇ x1 y1 z1 ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੂੰ x1 y1 z1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ 1/20 17 ਮਾਈਨਸ ਇਸ ਨੂੰ y0 ਇਸ ਨੂੰ z0 2z0 ਇਧਰ 111 ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਰੇ y0 z0 ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਸ ਤੇ -18 + 3x1 plus z0 ये x1 z0 इस तरह तीसरी इक्वेशन दे विच 25 minus 2x1 plus 3y1 now again मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ x दे विच इधर 1 1 1 first iteration दे विच उरे y0 z0 y0 z0 क्योंकि उन्हें ये calculate करके अपने को x1 आ जाएगा तब अगे x1 put करना है उन्हें 0 नहीं put करना x1 इधर z0 सिमिलरली z ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ x1 y1 ਦੋਨੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਰੇ x1 ਤੇ y1 ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ 1/20 17 ਮਾਈਨਸ y0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਹੈ z0 ਵੀ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 17/20 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 17/20 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 0.85 0 डेसिमल तो बाद 4 डिजिट तक तुझे कैलकुलेशंस कर लेनी है हुन y1 कैलकुलेट कर लेंगे अपने को 1/20 माइनस 18 प्लस 3x1 जड़ी x की वैल्यू रे कैलकुलेट हुई है वो तुझे उरे पुट कर देनी है 3 मल्टीप्लाई 0.8500 प्लस z0 की वैल्यू होने 0 ही है तो इस नु ऊपर 0 ही पुट करेंगे अगेन इस नु 3 ना मल्टीप्लाई करो विचो 18 माइनस करो ते डिवाइड बाय 20 कर दो कैलकुलेशन करके जड़ी इस दी वैल्यू आएगी y1 दी दैट इज -1.0275
-1.0275 दैन जो आप z1 कैलकुलेट करा तो यह 1/20 25 माइनस 2 मल्टीप्लाई x1 x1 की वैल्यू 0.8500 प्लस 3 मल्टीप्लाई y1 y1 इज माइनस ऑफ 1.0275 अगेन इस 3 ना मल्टीप्लाई करना है इस 2 ना 25 कैलकुलेशन करो डिवाइड बाय 20 कर दो z1 की वैल्यू जो कैलकुलेट करके आएगी दैट इज 1.0109 सो ये अपनी आइट्रेशन 1 कंप्लीट होगी होप तुहानू समझ आ गई हुण आइट्रेशन 2 जो आप करांगे तो आप आइट्रेशन 1 तो अगे ही कैरी फॉरवर्ड करांगे तो उरे आपने की करना जो ये फार्मूले बने सी सारे दे विच 1 1 दा इंक्रीमेंट कर दो 1 1 इंक्रीमेंट मीन्स इत्थे 1 1 1 दी जगह ते 2 2 2 कर दो x2 y2 z2 देन राइट हैंड साइड ते जिथे 0 है 1 कर दो जिथे 1 है 2 कर दो 1 by 20, 17 minus y1 plus 2 z1, 1 by 20, minus 18 plus 3 x2 plus z1, 1 by 20, 25 minus 2 x2 plus 3 y1, means इथे 0 थी होते 1, उरे 1 हो गया, उरे 2, 1, उरे 2, उरे 2, अगेन अपने कोर वैल्यूज है गया, 1 by 20, 17 minus y1 की वैल्यू आ जी आई सी फर्स्ट इटरेशन दे विच माइनस ऑफ 1.0275 प्लस 2 टाइम्स z1 z1 की वैल्यू 1.0109 अगेन इस नु 2 ना मल्टीप्लाई करना है फिर विच ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 17 कैलकुलेट करके इस नु 20 ना डिवाइड कर दो तो सॉल्व करके x2 की वैल्यू 1.0025 आ जाएगी Then 1 by 20 minus 18 plus 3 times x2. Again x2 की वैल्यू 1.0025 आ चुकी है अपने को. तो this is x2. ताय x2 इतने पुट करने हों. Plus z1. Z1 की वैल्यू वाली है 1.0109. Again इसकी कैलकुलेशन करो. कैलकुलेशन करके जो अपने को y2 आएगा minus 0.9998 आ जाएगा कैलकुलेट करके. Then again z2 1 by 20 25 minus 2 times x2 x2 की वैल्यू 1.0025 plus 3 times y2 की वैल्यू minus 0.9998 0 तो अगेन इसमें भी कैलकुलेशन करो कैलकुलेशन करके वैल्यू 0.9998 आ गई So here completes our third iteration, second iteration. उन जगह पर third iteration कराएंगे, again अपन second तो forward कराएंगे x3, y3, z3. जिथे 2 by 3 का तो, जिथे 1 है 2 का तो, जिथे 2 होएगा 3 का देना फिर. 1 by 20 एक एक का increment का देना. y2 plus 2 z2 minus 18 plus 3 x3 plus z2 and 25 minus 2x3 plus 3y3 again x3 calculate karange 1 by 20 17 minus y2 the value minus 9998 plus 2 times z2 0.9998 x3 calculate karange x3 calculate karke 1.0000 हो गए y3 वैल्यू 1 by 20 minus 18 plus 3 multiply x3 which comes out to be 1.0 नो पर 1 भी लिख सकते हैं plus z2 की वैल्यू 0.9998 तो इसमें जब आप सॉल्व करिए तो सॉल्व करके minus 1.0000 हो जाएगा इस तरह z3 की वैल्यू 1 by 20 25 minus 2 multiply x3 x3 अपना 1 आ चुके है plus 3 multiply y3 अपना minus 1 आ चुके है जे अप इसनों calculate करिए ता z3 दी वैल्यू जड़ी calculate करके 1.0000 आ रही है
नाउ ए थ्री थर्ड आइटरेशन अपनी कंप्लीट होगी। हूँ जो आप सैकेंड से थर्ड आइटरेशन कंपेयर करिए तो सैकेंड आइटरेशन के एक्स टू की वैल्यू 1.0025 सी, थर्ड के 1.00 है, तो आलमोस्ट दोनों सेम है। इस तरह ये -0.998 है, ये -1 है, ये भी आलमोस्ट सेम है। जेड की वैल्यू 0.998 है, ये 1 है, ये भी आलमोस्ट सेम है। तो जो दो सक्सैसिव आइटरेशन के आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाए तो उदो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो अपना जो सोल्यूशन है वो एक्स की वैल्यू यू कैन सी 1 ही है, वाई की वैल्यू -1 एंड जेड की वैल्यू 1। ए बाय चांस ही 1 सारे 0 आ गए, अदरवाइज अपने आंसर डेसीमल तो बाद 4 डिजिट तक दे देना है। हूँ जो आप वैल्यूज 1-1 तो 1 किसी भी क्वेश्चन पुट करके देखिए, क्वेश्चन के से जिमें आप इसी क्वेश्चन पुट करके देखिए 20 × 1 प्लस वाई की वैल्यू -1 −2 × z 1 20 − 1 − 2 20 − 1 = 19 19 − 2 = 17 तो इस केस के जो अपना आंसर आया वो बिल्कुल एग्जैक्ट आया। जो भी तुम फाइनल आंसर जो आता है उसनों क्वेश्चन पुट करके देखोगे या तो एग्जैक्टली राइट साइड के इक्वल आ जाएगा या वो नियर अबाउट होएगा, लाइक जिम्मे उन्हें 17 है तो लैफ्ट साइड अगर सोल्व करके 16.99 आ जाए, 17.1 या 17.01 आ जाए तो भी अपना आंसर ठीक मनिया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट गॉस सीडल मैथड। न्यूमेरिकल मैथड के काफ़ी यूजफुल है। जे अपने को काफ़ी सारी इक्वेशनस हैं, सपोज अपने को 10 इक्वेशन है, 10 वेरीएबल के हैं, तो प्रोग्रामिंग के नाल ये मैथड जो है काफ़ी इफेक्टिव है एज कंपेयर टू दी अदर डायरैक्ट मैथड्स। तो इस कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी जरूर होनगियाँ, बट अगर तुम एक आइटरेशन कंप्लीटली प्रॉपरली सोल्व कर लो तो नैक्सट अगले बस उन्होंने इनक्रीमेंट करी जाना है तो वैल्यू जी कैलकुलेट करी जानी है। नाउ तुम इस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।